नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ एक सैलून में और इस सैलून में गंजपन से छुटकारा पा सकते हैं। हम पहले कस्टमर का साइज लेते हैं, उस साइज के हिसाब से उनका पैच बनाते हैं। पैच बिल्कुल रेडी है और इस वक्त ये लगाने लगे हैं। सर, ये वाला जो पैच है ये हम टेप सिस्टम पे लगा रहे हैं। अभी टेप वाले में आपकी जो लाइफ है पैच की वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है। तो हमारा आप देख रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। माशाल्लाह इनका बहुत प्यारा लुक आया। और ये जो पैच है मेरा ये क्लिप सिस्टम पे लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ पैच के जो है वो सिस्टम्स आते हैं, तो ये देखें तो ये वाकई एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं था कि आपने भी पैच लगाया हुआ है। हाँ। तो ये बिल्कुल मैच कर रहा था बालों से, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल और आप देख रहे हैं हमारे वेब। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ एक सैलून में और इस सैलून में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप गंजपन से छुटकारा पा सकते हैं चुटकियों में, यानी कि कुछ मिनट में आप गंजपन से छुटकारा पा सकते हैं। वो कैसे पा सकते हैं ये हमें बताएंगे असदुल्ला साहब, जो कि यहाँ पर जो इसके ऑनर हैं इस सैलून के, वो हमें बताएंगे किस तरह से बालों को वो ट्रीटमेंट करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं जिससे आप फौरी तौर पर गंजपन से छुटकारा पा सकते हैं। अस्सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा असद साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि बहुत सारा लोगों का मसला है, मेरा भी मसला है, देखिए मेरे भी बाल कम है, लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा बाल कम होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बालों में वॉल्यूम आ जाए या गंजपन से छुटकारा पा जाए। तो क्या ऐसी ट्रिक है, क्या ऐसी जादुई चीज़ है जिससे फ़ौरन जो है वो गंजपन से छुटकारा हासिल हो? बिल्कुल, ये जो है ये पैच सिस्टम कहलाता है। इसके अंदर सिलसिला ये रहता है कि हम पहले कस्टमर का साइज लेते हैं, उस साइज के हिसाब से उनका पैच बनाते हैं, कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज पैच जो है ना ये बनता है ताकि बिल्कुल एक परफेक्ट लुक जो है ना उनका देखने को। तो आज जो है वो हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे, असद साहब हमें बताएंगे कि पूरा प्रोसीजर होता कैसे है और एक शख्स को ये पैच जो है वो किस तरह से लगाया जाता है। सबसे पहले जो हमारा क्लाइंट का काम होता है वो ये होता है कि हम इनकी मेजरमेंट्स जो है वो ले लें, क्योंकि पैच जो है वो साइज़ के हिसाब से ही बनता है सबका, और सर का साइज़ सबका अलग अलग होता है, ठीक है? तो उसके हिसाब से हमें पैच जो है वो डिज़ाइन करना होता है। और इनका ये वाला जो हिस्सा ही हम ब्लेड करेंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से ग्रिप कर सके, क्योंकि आप बड़े बालों के ऊपर हम टेप या गम जो है वो नहीं उसको लगा सकते। तो उसके लिए ये कि हमें इनका जो ये वाला जो एरिया है पूरा इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर जो है हम पैच लगाएंगे। अच्छा ये भी देखें, अभी इनका हमने साइज़ ले लिया था, ठीक है, तो अभी क्योंकि डायरेक्ट हम ब्लेड लगाएंगे तो उनको शायद तकलीफ़ हो सकती है, तो उसके लिए पहले हम मशीन से जो बाल हैं, जो एक्स्ट्रा बाल हैं, जितना हमें एरिया चाहिए, ठीक है, उतना हमने उसको डिसाइड कर लिया कि हमें इतना एरिया चाहिए, तो उसके बाद हमने इसके ऊपर मशीन लगा दिया। मशीन लगाने के बाद हम इसके ऊपर ब्लेड लगाएंगे ताकि और ज़्यादा फिनिशिंग से जो है ये हमारे सारे काम जो है वो हो सकें। अच्छा, इनकी जो हेड है आपने शेव कर दिया, तो अब इसके पैच जो है वो कैसे सिलेक्ट किया जाता है? अच्छा, पैच की जो है ना मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है, उसके अंदर से जो उन्होंने पैच सेलेक्ट किया है वो ये वाला पैच सेलेक्ट किया है, ठीक है, ये सेम ब्रांड का पैच है, ठीक है, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन अब उसमें फ़र्क ये है कि उनके बाल जो है वो हम आपको दिखाते हैं, तो अब उनके बालों के हिसाब से जो सूट ये देख रहे होंगे कलर आपको एक नज़र डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ये ज़रा ज़्यादा ब्राउनिश साइड पर जा रहा है, ठीक है, ये ब्लैक शेड के अंदर जा रहा है, तो हमारे जो क्लाइंट हैं उनके जो बाल हैं वो ब्लैक हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाला जो है उनको पैच लगाने जा रहा हूँ। तो इसमें कोई और क्वालिटीज़ भी आते हैं कि जो नकली बाल हो या कुछ ऐसे हो, ऐसी भी चीज़ें जी? अच्छा, इसके अंदर जो हमारे आते हैं वो बेसिकली तीन आप कह लेंगे कैटेगरीज के उसके बाल आ जाते हैं। एक तो ये होते हैं कि जो अभी हमारे नॉर्मली सैलून्स के अंदर जो नॉर्मल बाल हमारे कट रहे हैं वो नीचे गिर रहे होते हैं, उनको रिफाइन करके वो लगा दिया जाता है, ठीक है, फिर एक लेडीज़ के बाल आते हैं जो कि बहुत नीट एंड क्लीन करते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो बालों की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो जितने बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, जितना उसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, जितना उसमें फाइबर ज़्यादा होगा, वो उतना अच्छा रिजल्ट जो है ना वो लगने के बाद आपको दिखने को मिलता है कि अरे वाकई में एक फ़र्क नज़र आता है। तो इसलिए वैसे इनकी प्राइस भी जो है उसी हिसाब से भी डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो जिस तरह से जो सिंथेटिक बाल होते हैं दूसरे होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है, वो सस्ते होते हैं? सिंथेटिक बालों में इशू ये आता है कि बाल जुड़ जाते हैं आपस में और बहुत मोटा बाल होता है, ठीक है, आप उस पर कोई हेयर स्टाइल कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत मोटा बाल होता है, आप उस पर स्टाइलिंग नहीं कर सकते। ये तो आप अपने जिस तरह हमारे नॉर्मल बाल होते हैं उसी के साथ उसको कैरी कर सकते हैं। मशीन से हमने इनके बाल जो हैं वो थोड़े से ट्रिम कर लिए थे, अब उसके बाद जो है हम इनको ब्लेड से जो है वो क्लीन करने जा रहे हैं। जितना क्लीन होगा, ठीक है, उतनी अच्छी मजबूती आएगी, उतना अच्छा रिजल्ट जो है ना वो देखने को मिलेगा। अभी जो है हमने इनका पैच जो है वो लगा दिया, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल ये रॉ में है, ठीक है, जैसे इनके लंबे बाल थे वैसे ही है, जो बिल्कुल रॉ जो आया था वही वाला पैच हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम इनकी कटिंग करेंगे, लेकिन अभी जो है ना इनको हमने फिक्स नहीं किया, प्रॉपर फिक्स नहीं किया, सिर्फ एक कटिंग के लिए और सिर्फ इनका एक लुक आने के लिए हमने इसको परमानेंट फिक्स नहीं किया। तो जब हमारी कटिंग हो जाएगी, सब चीज़ें हो जाएगी, तो फिर हम इसको परमानेंटली फिक्स कर देंगे।
अच्छा, जैसे हमने आपको पहले भी लगा के दिखाया था, मैंने बहुत रफ लगाया था, उसको प्रॉपरली फिक्स नहीं किया था जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। अभी इसको वॉश करके, ठीक है, और फिर हम इसको दोबारा लगाने जा रहे हैं। और वॉश का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले एक तरीके का घर पे कोई भी आपके पास बॉल पड़ा हुआ, आपने वो बॉल ले लिया, ठीक है, आप इसको लगे लगाए भी वॉश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप निकाल के वॉश करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरीके से वॉश कर सकते हैं कि आपने इसमें बॉल में डाला, ठीक है, और आपने पानी जो है वो इसमें भर दिया। तो आप घर पे कोई सा भी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, किसी भी ब्रांड का आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, आप वो शैम्पू लें, ठीक है, और थोड़ा सा इसके अंदर आप डाल लें। तो आपने इस तरीके का आपने एक पानी के अंदर महलूल सा जो है वो बना लेना, ठीक है। अब आप क्वालिटी देख रहे होंगे बालों की कि किस तरीके की, बिल्कुल स्मूथ क्वालिटी है इस पैच की ना, कोई देखें बीच में बाल जो है वो जुड़ा नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिर जो शैम्पू है उसका वो निकाल लेना है, ठीक है। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि पैच बिल्कुल रेडी है, और इस वक्त ये लगाने लगे हैं और लगा के देखते हैं कि ये किस तरह का एंड में फाइनल रिजल्ट आता है। अच्छा, ये वाला जो पैच है ये हम टेप सिस्टम पे लगा रहे हैं अभी, ठीक है। इनको हमने गम सिस्टम जो है वो रिकमेंड नहीं किया क्योंकि इनका ये फर्स्ट टाइम है, तो फॉर फर्स्ट टाइम मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप गम वाला नहीं लगाएं, आप टेप वाला जो है वो लगाएं। तो टेप वाले का ये होता है कि इसको ईजी कैरी टू ईजी है ये, ठीक है, इसको कैरी करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, बहुत आसानी से जो है ये लग जाता है, कोई मसला नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये होती है कि टेप वाले में आपकी जो लाइफ है पैच की वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाती है। तो ये हमारा पैच जो है प्रॉपरली स्टिक हो चुका है, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं स्टाइलिंग के बाद इनका फाइनल लुक कैसा आता है। तो हमारा आप देख रहे हैं कि फाइनल रिजल्ट आपके सामने है, माशाल्लाह इनका बहुत प्यारा लुक आया, ठीक है, जिस तरीके का सोचा था बिल्कुल वही लुक जो है ना इनको मिला माशाल्लाह। और ये देख रहे हैं आप कितने सिल्की बाल हैं, मैं अगर बालों पर हाथ भी मार रहा हूँ तो मेरा कितना स्मूथली हाथ जो है वो इनके बालों में हो रहा है, ये देखें आप। तो बिल्कुल एक नेचुरल फीलिंग जो है, एक नेचुरल बालों का जो फील है वही आ रहा है इनका। आप यहाँ से देखें, बैक साइड से देखें, आप कितना प्रॉपरली मैच हुआ है, मैं किसी साइड से आपको कुछ लग नहीं रहा होगा कि कोई चीज़ अलग से जो है ना इनके सर के ऊपर लगी हुई है। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट सारी चीज़ों के बाद सवाल आता है वो ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव है या इसकी कॉस्टिंग एक रफली क्या है। हर सैलून के अपने अपने प्राइस रेंज जो है ना वो होती है, ठीक है, लेकिन मार्केट के हिसाब से मैं अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो 12,000 रुपये से स्टार्ट होती है हमारे पास मिनिमम, ठीक है, 12,000 रुपये से पैच स्टार्ट होता है। और वो फिर मैक्सिमम आप जितना मर्जी चले जाएं, ठीक है, आप 40 पे चले जाएं, 30 पे चले जाएं, 50 पे चले जाएं, तो इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज के हिसाब से पैच जो है ना वो आते हैं। जो भी करवाना चाहता है वो आपके पास आके करवा सकता है, मतलब उसमें कोई इतना वो नहीं है कि आपको कोई टेस्ट कराना पड़ेगा। नहीं, सिंपली आए, आपने देखा, कंडीशन देखी और उसके हिसाब से उनको रिकमेंड कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, पहला जो इनका फेस होता है वो हम साइजिंग लेते हैं, ठीक है, साइजिंग के बाद जो है हम इनका पैच बनवाते हैं। अगर तो मेरे पास ऑन द स्पॉट मौजूद हुआ वो वाला साइज जो सेम इनका था, जैसे इनके केस में हुआ, अगर मेरे पास वो साइज मौजूद होगा तो एट अ पॉइंट ही आप हम उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। जस्ट इनकेस अगर नहीं होता तो इसमें क्योंकि साइज का बहुत अमल दखल होता है, अगर साइज मैंने बड़ा लगा दिया या छोटा लगा दिया तो जो रिजल्ट अभी आ रहा है आपके सामने वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच साहब, वेलकम सो। अच्छा, एक सरप्राइज और आपके लिए। वो क्या है, जब आप आ रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जरा सरप्राइज किया जाए। वो सरप्राइज ये है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आप पहले जरा मेरे क्लोज ले लें, फ्रंट से भी जरा आप दिखाएं, ये देख रहे हैं मेरे बाल, ठीक है, ये मेरे बाल आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये नेचुरल हैं बट ऐसा है नहीं, ये नेचुरल है नहीं। तो ये बस आप लोगों को एक सरप्राइज देना था मुझे, ये असल में मैंने पैच लगाया हुआ है और ये जो पैच है मेरा ये क्लिप सिस्टम पे लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ पैच के जो है वो सिस्टम्स आते हैं, तो ये देखें तो ये वाकई एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं था कि आपने भी पैच लगाया हुआ है। हाँ, तो ये बिल्कुल मैच कर रहा था बालों से, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उम्मीद करते हैं कि जितने लोग वहाँ देख रहे हैं उनको ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा होगा, और जितने लोगों को ज़रूरत है पैच लगाने की या बाल लगवाने की या कुछ भी करने की जो बालों से रिलेटेड चीज़ें, तो वो आज ज़रूर इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए जाने से पहले, आप हमारी वेब.com को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं हूं राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।